अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, ये यूट्यूब के रिलेटेड बना रहा हूँ। जो नई प्लेलिस्ट बनाई थी ना, उसके रिलेटेड है। ये किस चीज़ के रिलेटेड है? ये है चैनल कस्टमाइजेशन के रिलेटेड, कि इसमें आप फीचर चैनल कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो फीचर कंटेंट है आपका, सेक्शन जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आ जाएँ, ये देखें, ये मैंने यूट्यूब स्टूडियो अपना खोल लिया। यहाँ पे डैशबोर्ड, वीडियोस, प्लेलिस्ट और ये सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे एंड पे ना ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ तीन टैब्स हैं, देखें, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। सो लेआउट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्पॉटलाइट, ये क्या है जी? ऐड अ वीडियो टू द टॉप ऑफ योर चैनल होम पेज। कह रहे हैं अपने होम पेज पे चैनल के जो है वो आप कौन सी वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। सो एक वीडियो तो होती है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, जो लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप किसी लिंक के थ्रू आए हैं, किसी रेफरेंस से आए हैं, या सर्च में से उन्होंने देखा, तो वहाँ पे होम पे उनको ये वीडियो शो होगी। यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखें, चेंज वीडियो, रिमूव वीडियो। सेकेंड वीडियो होगी फीचर्ड वीडियो फॉर द रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, जो ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है आपके चैनल को और वो आ रहे हैं, उन्होंने आपका चैनल दोबारा ओपन किया, तो उनको ये वाली वीडियो शो होगी। मैंने सेम ही दोनों पे लगाई हुई है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वीडियोस लगा सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे फीचर सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल होम पेज विद अप टू 10 सेक्शंस। यहाँ पे 10 सेक्शंस आप लोग लगा सकते हैं, एक आधा नहीं। ठीक है, ये देखें, ऐड सेक्शन, वीडियोज़, वीडियोज़ में ये दो पहले लाजमी होंगे, अपलोड्स का और पॉपुलर वीडियोज़ का। ठीक है, इसके बाद है लाइव नाउ वाला, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स, प्लेलिस्ट का है, सिंगल प्लेलिस्ट है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, मल्टीपल प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन है और फीचर्ड चैनल है। फीचर्ड चैनल वाला जो है ना सेक्शन, ये काफ़ी मुश्किल से, यानी कि पहले एक साइड पे आता होता था, यानी कि ये आपने चैनल खोला तो यहाँ पे आ जाता होता था, लेकिन अब नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये चेंज हो चुका है, नीचे चला गया, सॉरी, यहाँ पे आता था होम पे, इस साइड पे, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज्ड है। चेंज कैसे है? अब ये चला गया है एंड पे, या एंड पे नहीं भी है तो आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं। ये मैंने अब ऐड किया हुआ अपलोड्स वाला, पॉपुलर अपलोड्स, ये दोनों ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट्स है और फीचर्ड चैनल है। यहाँ इसको पकड़ा, यहाँ पे हम ले गया तो ये फर्स्ट पे भी चला जाएगा, अगर हम इसको फर्स्ट पे ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको लास्ट पे रखना चाहूँगा। ठीक हो गया। ये जो यहाँ मैंने सेटिंग किया, ये आप, मैं यहाँ दिखा देता हूँ अपने होम पेज पर, ये होम पेज। ठीक है, ये वीडियो आ गई, ये उसके नीचे अपलोड्स, पॉपुलर अपलोड्स, मल्टीपल प्लेलिस्ट, नीचे है फीचर्ड चैनल्स। ठीक है, यहाँ आप अपने दोस्तों का ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई करीबी दोस्त है या कोई आपके साथ मिलके जो काम कर रहा है यूट्यूब पे, या आपका कोई फ्रेंड है जिसका आप ऐड करना चाह रहे हैं, या आपका कोई दूसरा चैनल है। ये इन्फोविड्स है, ये मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, मिर्ज़ा अरकम बेग साहब, ये उनका है इन्फोविड्स, और ये मेरा ही चैनल था लेकिन ये यूज़ नहीं करता। ये इन्फोटोलॉजी भी मेरे कज़न का है, मार असगर वसीम सयाल साहब का, और ये उनके नेम से उनका चैनल भी है, असगर अली सयाल का। ठीक है, तो मैंने ऐड किया हुआ, उन्होंने मेरे चैनल भी, मेरा जो चैनल है ये वाला, अपने फीचर चैनल में भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये ऐड कैसे करना है? चलो, ये सेक्शन तो हम ऐड कर लेंगे ना, यहाँ से ऐड सेक्शन हो गए। ठीक है, ये अपलोड जो है इसमें, ये आप रिमूव सेक्शन हम सिर्फ करने का ऑप्शन है, इसमें भी रिमूव सेक्शन का है, और प्लेलिस्ट जो है इसमें आपका एडिट सेक्शन कॉन्टेंट्स है, और ये फीचर चैनल में भी एडिट सेक्शन का आएगा। इसको एडिट किया, यहाँ आपने कोई फीचर चैनल करना है ऐड, क्या करेंगे आप? वहाँ पे नेम सर्च कर लेंगे, कोई सा भी कर लेते हैं आप, बेकार वाइंस का, पर वो तो दूर होगा, ये देखो बेकार फिल्म्स। ठीक है, इसको बॉक्स को मैंने चेक किया, ये नीचे शो हो रहा, हम इसको ऊपर नीचे जहाँ पर सेट करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग की तरफ। ब्रांडिंग में क्या है? प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर क्या है? ये 98x98 पिक्सल्स की होनी चाहिए और लेस देन 4 MB, या मैक्सिमम आपकी 4 MB की वो पिक्चर, और उससे कम वो प्रोफाइल पिक्चर जो होती है। सेकंड चीज़ है बैनर इमेज, जिसे हम पहले चैनल आर्ट कहते थे, जो चैनल आर्ट होता था इसको बैनर इमेज कहते हैं। ठीक है, ये कितनी चाहिए? 2048x1152 पिक्सल्स की हो और 6 MB मैक्सिमम हो, या इससे कम हो, इससे ज़्यादा की ना हो, जो चैनल आर्ट है या बैनर इमेज है। ठीक है, वीडियो वाटर मार्क, ये वीडियो वाटर मार्क, ये आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई सी भी लगा दें, अपने चैनल का लोगो लगा दें, कोई और अपनी पिक्चर लगा दें, कुछ भी लगा दें। इसका काम क्या है?
जब आप वीडियो चला रहे होते हैं, आपकी वीडियो चल रही होती है, यहाँ पे जब भी कर्सर जाएगा तो यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप एंड ऑफ वीडियो पे भी चला सकते हैं कि एंड पे आए, ठीक है। आप कस्टम स्टार्ट टाइम इसका शुरू कर सकते हैं, अभी किस टाइम से ये स्टार्ट हो, कहाँ से ये शो होनी वीडियो पे शुरू हो, या इंटायर वीडियो पे आप लगा सकते हैं। मैंने इंटायर वीडियो पे लगाया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है बेसिक इन्फो, यहाँ पे चैनल का नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं चैनल के नेम को किसी भी वक्त, बजाय जाके गूगल अकाउंट में चेंज करने के। चैनल डिस्क्रिप्शन वो आप दे सकते हैं, एक मिनट, जो चैनल डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जो से भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप अपनी चैनल डिस्क्रिप्शन लगा देंगे। ऐड लैंग्वेज आप कर सकते हैं, जो आप लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं। अब मैं उर्दू में ज़हरी बात बनाता हूँ तो मैं इसकी उर्दू ही रखूँगा, ठीक है। उर्दू सेट कर दिया, ऑलरेडी सेटेड है इसीलिए डन नहीं आया, ठीक है। अब आ जाते हैं लिंक्स की तरफ, ठीक है ना। लिंक्स क्या हैं, यहाँ पे आप हर तरह के लिंक्स अपने जो है वो ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक एडेड है, आप यहाँ पे टाइटल देंगे उसका रिक्वायर जो होगा, फिर यूआरएल उसका देंगे। ये मैंने अपनी आईडी का दिया है, लिंक्डइन का मैंने दिया है, फाइबर का दिया है, अपवर्क का दिया है, ठीक है। एक और भी ऐड कर सकता हूँ, पाँच हो जाते हैं। यहाँ मैं देता हूँ ट्विटर का दे देता हूँ, या किसी और चीज़ का अपना जो है डेली मोशन का कोई भी, वो लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिंक यूआरएल दूंगा, इधर उसका टाइटल नेम दूंगा और उसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ से पब्लिश लाजमी करना, जब भी आप कोई चीज़ सेव करते हैं नहीं तो उसको आपने पब्लिश लाजमी करना। ये एक चीज़ देखा ना, वीडियो बनाते हुए मुझे अपनी गलतियाँ निकल आई हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। अच्छा, लिंक्स ऑन बैनर, ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपका जो बैनर इमेज है या चैनल आर्ट है वहाँ पे कौन से लिंक्स शो हों। मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फोर लिंक्स, फर्स्ट लिंक भी लगा सकता हूँ, फर्स्ट टू लिंक्स, या फर्स्ट थ्री लिंक्स, फर्स्ट फोर लिंक्स, या फर्स्ट फाइव लिंक्स, ठीक है। फर्स्ट फोर लिंक्स लगाए हुए हैं और ये मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इस तरह शो हो रहा है। फेसबुक, लिंक्डइन, फाइबर, अपर, ठीक है। यहाँ कोई भी अगर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरी आईडी पे चला जाएगा, ठीक हो गया ना। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, अभी लगा लेनी चाहिए सबको, ठीक हो गया। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फो है, मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ सेट करें, सेट करने के बाद पब्लिश लाजमी करें। मैंने पब्लिश नहीं किया था पहले, ये मैंने अपवर्क और फेसबुक का टाइटल जो है वो बड़ा कर लिया है, ठीक हो गया। ये पब्लिश हो गया, देन उसके बाद ये आपका सारा सेट हो गया। अगर ब्रांडिंग में आपने कोई चीज़ चेंजिंग किया तो वहाँ पब्लिश का ये ब्लू हो जाएगा टैब, इसको आप जो है पब्लिश कर देंगे। लेआउट वाला जो है इसका अगर आपने कोई सेटिंग की है तो आप इसको पब्लिश लाजमी करेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये काम है लेकिन ये करना चाहिए, अच्छा होता है। यूट्यूब का जो सारी सेटिंग्स होनी चाहिए ना, दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जो है इसके रिलेटेड सेटिंग्स के, जो यहाँ से सेटिंग्स निकाल के कैसे करते हैं, और वीडियो अपलोड करने के रिलेटेड भी मैंने बनाई थी वीडियो, वो भी मेरी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट वो भी देखें, अगर कोई फ्रीलांसिंग का सीखना चाह रहा तो फ्रीलांसिंग वाली देखें, वो प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ऑनलाइन वर्क ट्रेनिंग की है, एक्सेल पे, वर्ल्ड पे थोड़ा सा बनाया, पीडीएफ पे बनाया, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ गेन हुआ होगा यहाँ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।